handful like fire. Check the smell. Ah! Really easy to make. That's great. अब हम बनाएंगे थाईलैंड की very famous dish Thai veg green curry. Chef, tell us something more about Thai curries. Well, chef, as we all in Thailand knows that Thai cuisine is from royal family and they have been passed. थाई क्विजीन जो है वो रॉयल फैमिली से स्टार्ट हुई है और उसके बाद जनरेशन से जनरेशन में पास हुई है और लोकल्स में है ये. शेफ कम ऑन, हाउ मेनी मोर करीज इन थाईलैंड है? ओह, आई थिंक प्रोबब्ली इज द सेम एज द इन इंडिया. ऑफ कोर्स इफ यू गो अप नॉर्थ शेफ नो कोकोनट मिल्क अगेन. इफ यू इन सेंट्रल इज रियली वेयर इज एवरीथिंग एंड देन डाउन साउथ अ लॉट ऑफ कोकोनट एंड रियली स्पाइसी. जैसे आप थाईलैंड के डिफरेंट रीजन्स में जाओगे करी वैसी चेंज होती है. तो लेट्स मेक शेफ इयन Kittichai's फेमस ग्रीन थाई करी. शेफ, व्हाट इज दैट यू मेक योर ओन पेस्ट इज व्हाट आई बिलीव. व्हाट डू यू पुट इन योर ग्रीन थाई पेस्ट? वो दिस इज लाइक 12 और मोर देन 12 13 इंग्रेडिएंट्स. इसमें 12 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं एक करी पेस्ट बनाने के लिए. यस, एंड देन दिस इज द होममेड करी. Just we paste it already. It's contained with the lemongrass, galangal, kapi lime. इसमें थाई क्यूजिन के जो तीन मेन इंग्रेडिएंट्स है लेमनग्रास, थाई जिंजर विच इज गालंगल, काफी लाइम, जो प्रोमिनेंट टेस्ट देते हैं अपनी थाई करी को. थाई ग्रीन करी बनाने के लिए हमें चाहिए थाई ग्रीन वेज करी पेस्ट. इसमें लेमनग्रास, गालंगल, काफी लाइम मेजरली होता है. इसके अलावा अनियन, गार्लिक बेस के लिए होता है और रेड चिली स्लाइस्ड, थाई होली बेसिल. अगर आपको होली बेसिल नहीं मिल रहा है तो इसमें आप इंडियन तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हो. क्रश्ड काफिर लाइम लीव्स. दिस इज अ स्पेशल ऑबरजीन बैंगन जो थाईलैंड का, इसे बकवा कहते हैं थाई में. वाटर चेस्टनट. अगर आप चाहे तो और भी इंडियन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो जैसे बेबी कॉर्न हुआ, मशरूम्स हुआ, कैरेट हुआ. आप बैंगन भी इस्तेमाल कर सकते हो. अगेन यू हैव योर थाई मशरूम सॉस. यू कैन ऑलवेज रिप्लेस दैट विद अ फिश सॉस. एंड वी हैव palm sugar for a little bit of sweetness. And then we have the coconut milk which obviously gives you body for the curry. हम इसे start करेंगे एक पैन में ऑयल लेके. ऑयल पैन में ऑयल अच्छी तरह हीट करेंगे और इसमें थाई ग्रीन करी सौते करेंगे. आप जब थाई ग्रीन करी पेस्ट सौते करते हो ध्यान रखिए कि ये जले ना, पैन में लगे ना. अगर लग जाएगा तो उसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा. यस सर. So we're gonna start it with the green curry paste and then waiting for Chef Paul to give me the eggplant. So we're gonna cook the eggplant same time with the curry paste. ये हम करी के साथ सौते करेंगे. अगर आप चाहें तो इसे अलग से फ्राई करके भी करी में डाल सकते हो, लेकिन शेफ बता रहे हैं कि अगर आप इसे साथ में करी पेस्ट के साथ सौते करोगे तो उसका स्वाद बेहतर आता है. शेफ स्मेल. You smell the lemongrass, you smell the kaffir lime. Wow, chef. Just add a touch of oil because eggplant absorbs like a sponge. जो बैंगन होता है वो काफ़ी तेल अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए अगर आप अलग से उसे सौते करें तो ठीक है, या फिर थोड़ा और तेल डालना चाहिए उसमें. So we roasted it until like we're nice aromatic. जब तक उसकी अच्छी खुशबू नहीं आती आप उसे पकाते रहिए. और इसके बाद हम में वाटर चेस्टनट डालेंगे. यह भी वी सौतेइंग द करी पेस्ट जिसके साथ हमने बैंगन और वाटर चेस्टनट या सिंगाड़ा सौते किया है. और इसके बाद हम इसमें ये जो छोटा ऑबर्जिन है, ये ग्रीन पी जैसे दिखता है लेकिन इट्स एक्चुअली अ थाई ऑबर्जिन या ब्रिंजॉल. Then you cook and saute the vegetables till they are nice and crunchy. Chef ये prefer करते हैं कि वो उनके vegetable को over cook ना करें ताकि उसमें एक bite या crunch रहे. And then we're gonna put some of the Thai basil. Whoops. Yes. To proof it and then they get. ये जो अच्छी शेफ की technique है आज हमने जाना कि Thai basil से उसका flavor कैसे निकालते हैं. It's a wonderful flavor you get from Thai basil, chef. Chef, could you pass me the coconut milk, please? Yes, this is the coconut milk. Coconut milk बाजार में ready made मिलता है. अगर आप चाहे तो इसमें घर में भी बना सकते हो. ये आप देख सकते हो डार्क ग्रीन से कलर काफी चेंज हुआ है कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद। ओके सो नाउ वी जस्ट लेट इट बॉयल, वी लेट इट बॉयल। इसे और स्पाइसी चाहिए तो इसमें थोड़ी रेड चिलीज डाल सकते हो। ओके शेफ, एंड देन वी कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ काफी लाइम। इसके बाद थोड़ा काफी लाइम लीफ ऐड करेंगे लाइम का, लाइम फ्लेवर के लिए। Wow, chef, it looks nice and colorful. Then we're gonna seasoning with the mushroom sauce, chef. Okay. और इसमें seasoning के लिए जो mushroom sauce डालेंगे, non-vegetarians can use nampla or the fish sauce. Just a little bit, थोड़ा सा palm sugar या गुड़ डाल सकते हो आप, just to cut the spiciness. Okay. Wow, it looks nice, chef, and I can already smell it. It's smelling wonderful. Lot of aromas of lemongrass, of ginger, of galangal and makrut coming through, chef. So like when you're tempering the curry paste, so you get all the flavor coming out. जब आप करी पेस्ट को तड़का मारते हो या फ्राई करते हो उसमें से उससे काफी सारे फ्लेवर्स आते हैं। Chef, we're gonna taste. I love it. Hey, can I? Yes, please. Wow, chef, there's the coconut milk, the smooth, velvety texture of the coconut milk with the lovely spice which just hits your palate. Yeah. Chef, what's the difference between the red curry typically and the green curry? Well, really simple, chef. So we use a lot of green chili. Okay. For the green curry, and then we use a lot of red chili for the. जो ग्रीन करी पेस्ट होता है उसमें ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल होता है और जो रेड करी पेस्ट होता है उसमें रेड चिलीज का इस्तेमाल होता है। दीज करीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट स्टोर्स, बट शेफ प्रिफर्स टू मेक हिज ओन स्पाइस मिक्स। सो हियर वी हैव द वेजिटेरियन ग्रीन करी फ्रॉम थाईलैंड। शेफ ये इनकी चाय। इस पे गार्निश के लिए थाई होली बेजिल या तुलसी और चिलीज एंड काफी लाइम। शेफ, लेट्स टेस्ट द फाइनल प्रोडक्ट। श्योर श्योर, सो ग्रेट। Just a lot of aromas of the spices and the velvetiness of the coconut milk. Thai curry for you.